हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि के लिए कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सिखाएंगे। अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अभी बहुत आसानी से इस तरह का पोस्टर बना सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे काम से होते हो इम्प्रेस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए मैंने जो भी बैकग्राउंड इमेजेस का, PNG इमेजेस का यूज़ किया है, उन सारे मटेरियल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस पोस्टर का PLP फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी पासवर्ड के इस पोस्टर का PLP फाइल मिल जाएगा। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल लैब। उस एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके फोन में पहले से इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे फोन में पिक्सल एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए मैं उसे ओपन कर लेता हूं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे डिलीट का एक बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। अब आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पहले ही नंबर पर एक ऑप्शन आता है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड इमेज इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको ये वाला PNG सेलेक्ट करना है, नीचे से इसको क्रॉप करना है और ओके करके इसको एडजस्ट कर देना है। अब आपको ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको ये शिवजी का PNG लेना है, ओके करना है और इसको एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये हो चुका है। अब दोस्तों, हम दोनों लेयर्स को लॉक कर देंगे। तो लेयर लॉक करने के लिए आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट के ऑप्शन के नीचे लेयर का बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ लॉक का बटन मिलेगा। 1 बाय 1 क्लिक करके दोनों लेयर्स को लॉक कर दीजिए, फिर से लेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए और पहले नंबर पर एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे आप समस्त ग्रामवासियों को। चलिए मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ आपको राइट साइड में पतला वाला बिंदु मिलेगा, आप इस पर टाइप करके खींच दीजिए। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल स्लाइड करिए इस तरीके से, यहाँ पे ऑप्शन आता है AB फॉन्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपका जो भी फेवरेट फॉन्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ओके कीजिए, फिर आपको यहाँ स्लाइड करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, आप इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कलर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको ओके करना है, फिर स्लाइड करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है स्ट्रोक, आप इस पर क्लिक कीजिए, इसको इनेबल कीजिए और यहाँ पे जो है हम येलो कलर या व्हाइट कलर का स्ट्रोक डाल देंगे। चलिए यहाँ पे मैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक डाल दिया हूँ। अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल सेलेक्ट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखना है कॉपी का, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको हम इरेज करके हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे महाशिवरात्रि। चलिए मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर, आप इस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे कॉपी करना है। चलिए मैं फिर इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। फिर इसको हम डबल क्लिक करेंगे और इसको इरेज करके हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे कि हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो चलिए मैं वो भी फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो अब हमने वो टेक्स्ट टाइप कर लिया है, अब आपको ओके करना है। अब सारे टेक्स्ट को हम एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले महाशिवरात्रि को हम जूम करेंगे इस तरीके से और जूम करने के बाद फुल साइज में कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल साइज में इसको। इसको एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस आप समस्त ग्रामवासियों को ऊपर ले जाना है और इसको भी एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। तो चलिए इसे छोटा करके मैं जो है एडजस्ट कर देता हूँ। और हमने जो ये नीचे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं लिखा है, इसका भी कलर चेंज करके हम ब्लू कर देंगे और इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे छोटा करके। तो ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हो जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसको इरेज करके हम टाइप कर लेंगे अपना नाम शुभेच्छुक आदित्य झा। इतना टाइप करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। फिर दोस्तों, आपको स्क्रॉल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है AB फॉन्ट, जो भी आपका फेवरेट फॉन्ट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन आता है, आप जितना टेक्स्ट सेलेक्ट करके जो कलर डालेंगे उतना ही टेक्स्ट में वो कलर होगा। तो यहाँ पे मैंने जैसा है शुभेच्छुक को रेड कर दिया है और आदित्य झा को मैं ब्लैक या फिर ब्लू कर दूंगा। तो चलिए मैंने ब्लू कर दिया है, या मैं पूरे को रेड ही रहने देता हूँ। तो ये हो गया है। तो दोस्तों, उसके बाद आपको इसमें स्ट्रोक वगैरह डालना है तो आप इसको इनेबल कीजिए। हम इसमें व्हाइट कलर का स्ट्रोक डाल देंगे, उसके बाद आपको जूम करके इसे एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आपका पोस्टर बनकर रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह का आपका पोस्टर बना है।
अब दोस्तों आपको इसको सेव करने के लिए यहाँ प्लस के आइकन के आगे में सेव का एक बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। सेव एज इमेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिफॉल्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। और सबसे नीचे में ऑप्शन आता है अल्ट्रा, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ सेव टू गैलरी कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपका जो ये पोस्टर बना है वो अल्ट्रा एच डी क्वालिटी में आपकी गैलरी में सेव होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा दोस्तों, थैंक यू।